मैं बात करूं शासन में आपके खिलाफ, क्या काम कहा था आपको? आपको लगता है मैं आऊंगा नहीं? मैं रोज आऊंगा अब यहाँ पे। नहीं, क्यों जरूरत पड़ रही है मुझे आने की? यहाँ पे पहले शेड में सरकारी क्रेन क्यों नहीं खुले हैं? क्यों नहीं खुले? पीछे खुलेंगे, छुप के। ये फ्रंट है, ये फ्रंट कहते हैं, वो फ्रंट कहते हैं, कहां से आए हो तुम? उल्टी ज्योग्राफी है तुम्हारे दिमाग में? उसको फ्रंट बोलते हैं, उसको फ्रंट बोलते हैं? क्यों लगे हुए थे? नियम क्या है कि सबसे शुरू में सरकारी क्रय केंद्र होंगे, जो आएगा तो उसी समय टोकन लेके कांटे का जो दिन का तौल है वो पूरा होगा। किसी कांटे का नहीं हो रहा है, सिटी मजिस्ट्रेट ने रिव्यू करा अभी, टारगेट पूरा नहीं हो रहा। किसी कांटे का टारगेट पूरा नहीं हो रहा, उसके बाद भी किसान परेशान है, तो तुम क्या कर रहे हो जी? तुम्हारे रहने का क्या फायदा? किसी कांटे का मंडी में दैनिक टारगेट पूरा नहीं हो रहा है, ये इन्होंने रिव्यू कराया अभी, जो हम करा देंगे। नहीं, हम हैं सर, उतरने के लिए हैं सर। नहीं, तुम्हारे बस की नहीं हो रहा है तो हमें आना पड़ेगा, हम रोज आएंगे। किसान हमारे लिए सबसे ऊपर है। जी जी मत बोलो, 1200 मिल रहा है, आज कांटे बढ़वा रहे हैं सर। आज तो एहसान कर रहे हो? नहीं सर, कांटे बढ़ जाएंगे, आवक की सबसे बढ़ गया, आवक नहीं थी तो बढ़ गया। आवक नहीं थी, यहाँ जितना पड़ा हुआ है धान सबकी नमी ठीक है, सब अर्थी उठा रहे हैं। क्यों क्या उठा रहे सब? समझ में नहीं आता है तुम्हें? ऐसे ही पता चल जा रहा है, 3500 हो गया, करे कितना हो? बहुत बढ़िया, इतने किसान यहाँ पे खड़े हुए हैं जिनका धान बिल्कुल सही लेने या लायक है, तुम नहीं लेते हो, उस वजह से सरकार की बदनामी होती है। सुनो, चुप। वो किसान 1100-1200 में बेच रहा है जिसको 1868 मिल सकता है एक क्विंटल का, मेहनत करके लाता है वो, ट्रॉली मुफ्त की नहीं चलती है सर जी। धान कभी समझिए किसान की परेशानी, जो यहां बैठ के तुम अड़ंगा लगाने के लिए बैठे हुए हो, ना अपना